नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द्वेदी कॉलेज में। और हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट एंशंट हिस्ट्री इन इंग्लिश, और इसमें हम सब टॉपिक पढ़ रहे हैं आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने इंस्क्रिप्शंस को कंप्लीट किया था। दूसरा जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कॉइन्स। ठीक है, कॉइन्स से हमें बहुत सारी एंशंट हिस्ट्री को डेवलप करने में मदद मिली है। और कॉइन्स जो है पिछले ज़माने में मेटल्स के होते थे, आज भी मेटल ही के होते हैं। अब पुराने ज़माने में कॉपर यूज़ किया जाता था, सिल्वर, गोल्ड या कोई और मेटल। ठीक है, फर्दर कन्वीनियंस के लिए हमने कॉइन्स को दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, इंडिजीनियस और फॉरेन। ठीक, सबसे पहले इंडिजीनियस कॉइन की बात करें तो सबसे कॉमन जो था वो था अर्ली पंच मार्क कॉइन्स। ठीक, इनको पंच मार्क कॉइन क्यों बोला जाता था, क्योंकि ये मेटल के पीसेज होते थे और उन पे पंच कर दिया जाता था। जैसे आप देखते हो ना, स्टैंप मार देते हैं, तो वैसे ही पंच कर दिया जाता था, मेटल को पिघला के उसके ऊपर पंच मार दिया था, मार्क मार दिया जाता था। ठीक है, किसी चीज़ का सिंबल, फॉर एग्जांपल हिल का या ट्री का, फिश का, बुल का, एलिफेंट का, ये सब कॉमन थे। ठीक है, सिंबल्स होना उनके ऊपर। पंच मार्क कॉइन्स पे कोई इंस्क्रिप्शन नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ वो मार्क्स होते थे। ठीक, ये ज़्यादातर सिल्वर के बने हुए होते थे, लेकिन कुछ एक हमें कॉपर के भी मिले हैं। पंच मार्क कॉइन्स का अगर शेप की बात करें तो वो कैसा होता था, क्वाड्रिलेटरल शेप होती थी। ठीक, पंच मार्क कॉइन नॉर्मली 6th century BC से अपीयर हुए, मिलना शुरू होते हैं 6th century BC के आसपास के, और 6th century BC से लेकर 2nd century BC तक हमें मिलते हैं, मतलब महाचनपद काल से लेकर के शुंग पीरियड तक का हमें मिलते हैं कॉइन्स। ठीक, पंच मार्क कॉइन्स सबसे पहले किसने इशू किया था, मर्चेंट के गिल्ड्स ने। ठीक है, गिल्ड मतलब समूह। ठीक है, मर्चेंट्स के समूह ने, और बाद में स्टेट्स ने भी इशू करना शुरू कर दिया। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं आपके लूसेंट की ये बुक, तो ये बुक आपके पास 100% होगी, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से पढ़िए, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में। अगर आप वन डे एग्जाम दे रहे हैं या कोई अगर सिविल सर्विस दे रहे हैं तो भी कई बार इनसे पॉइंट से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा लेते हैं वो। ठीक है, दूसरे जो इंपॉर्टेंट कॉइन्स हैं वो आपके इंडो बैक्ट्रियन कॉइन्स हैं। ठीक, इनमें क्या होता था, इन कॉइन्स में एक कॉमन प्रैक्टिस पाई गई कि किंग का नाम होता था, है ना, उसकी फोटो होती थी या भगवान की फोटो होती थी। ठीक है, और ये इंडो बैक्ट्रियन कॉइन्स कहाँ मिले हमें, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से मिले हैं, जो अभी आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया उस साइड से मिले हैं, क्योंकि वो भी पहले इंडिया में ही था। इनके ऊपर जो राइटिंग्स हमें मिली है वो नॉर्मली क्या मिली है, किंग का नाम होता है, उसका टाइटल होता था। ठीक है, उसको क्या पसंद था, कई बार वो भी मेंशन्ड है, वो किस भगवान में बिलीव करता था, उस भगवान की फोटो उस पे रहती थी। ठीक है, और नॉर्मली जो किंग की फोटो होती थी वो फ्रंट साइड में होती थी, और जो भगवान की फोटो होती थी वो बैक साइड पे होती थी। ठीक, ये कॉइन्स ने हमें बहुत ही मदद की है इंडो बैक्ट्रियन हिस्ट्री को लिखने में, क्योंकि ये देखो जो राइटर्स थे उन्होंने खाली 4-5 इंडो बैक्ट्रियन रूलर्स का नाम लिखा, लेकिन इन कॉइन्स से हमें पता चलता है कि नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे रूलर्स थे इंडो बैक्ट्रियन के, तो हमें बहुत मदद मिली है कॉइन्स के थ्रू। तो आप देख रहे हो कॉइन्स का कितना महत्व है, हमें कई बार जो रिटर्न सोर्स में नहीं है, इंस्क्रिप्शन में नहीं है, वो हमें कॉइन्स से पता चल गया, वरना हमें पता ही नहीं चलता कभी भी उनके नाम वगैरह। ठीक, इंडो बैक्ट्रियन रूलर पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स भी इशू किए। ठीक है, और इनके गोल्ड कॉइन्स बहुत ही एक्सेलेंट होते थे, और उनका बहुत ज़्यादा असर रहा हमारे लेटर कॉइन्स पे, इंडियन कॉइन्स पे। ठीक, बाद में शाक, पार्थियन, कुशान कॉइन्स के स्टडी की जाती है। ठीक है, इंडो बैक्ट्रियंस के बाद, और ये लोग भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही थे, इन्होंने भी लगभग इंडो बैक्ट्रियन जैसे ही कॉइन को इशू किया, और इन कॉइन्स से भी हमें बहुत ही मदद मिलती है इन तीनों डायनेस्टीज के हिस्ट्री को लिखने में। ठीक है, इन्हीं कॉइन्स से हमें पता चलता है कि इस एरिया में मालवास थे, यौधेयस थे, मित्र रूलर्स थे, जो पंचाल का एरिया था वहाँ पे। सबसे पहले शाक क्षत्राप रुद्रदमन ने इशू किए थे कॉइन्स जो संस्कृत में थे। सातवाना रूलर्स ने जो कॉइन्स इशू किए थे वो लेड के होते थे, कॉपर के होते थे, ब्रॉन्ज के होते थे और पॉटिन के होते थे। कुशान रूलर्स पहले ऐसे रूलर्स थे जो रेगुलरली गोल्ड कॉइन्स इशू करते थे, बहुत लार्ज स्केल में इन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया। तो आप याद रखो
ये सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन किन्होंने किए थे? कुशान रूलर्स ने किए थे, ठीक है, मतलब हाँ अभी भी कह सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा गुप्त 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 लोगों ने किए थे, है ना, गुप्त रूलर्स ने, लेकिन उसके बाद उससे पहले कुशान रूलर्स ने किए थे। अगर आपको क्वेश्चन पूछे लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन किसने इशू किया था, तो गुप्ताज ने किया था, ठीक है। कुशान रूलर के जो कॉइन्स होते थे गोल्ड कॉइन्स, वो उनकी प्योरिटी बहुत हाई होती थी, ठीक, ये एक फैक्टर है। चलो फिर अब हम आ जाते हैं इसी के साथ गुप्त कॉइन्स पे। गुप्त रूलर्स ने सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू किए, अभी हमने पढ़ा। सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात करें तो इसने भी गोल्ड कॉइन्स इशू किए, वो पहला रूलर था जिसने गोल्ड कॉइन इशू किए। इसके जो टाइप ऑफ कॉइन होते थे वो कैसे होते थे? नॉर्मली किंग क्वीन टाइप होते थे, चंद्रगुप्त कुमार देवी टाइप, उसकी मिसेस का नाम, ठीक है। समुद्रगुप्त के कॉइन कैसे होते थे? गरुड़ टाइप, धनुर्धारी टाइप, एक्स टाइप, अश्वमेघ टाइप, वाक्य हरण टाइप, व्याघ्र हनन टाइप, टाइगर किलिंग टाइप एंड वीणावादन टाइप। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके कई बार आ चुके हैं, वीणावादन किससे रिलेटेड है? तो समुद्रगुप्त से, ठीक है। व्याघ्र हनन किसका कॉइन था, मार्क किस पे था, है ना, ये चीज़ें आपको आ जाते हैं तो आपको याद होना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। आर्षर टाइप या धनुधारी टाइप किसका था? समुद्रगुप्त का था। एक्स टाइप किसका था? समुद्रगुप्त का था, ठीक है। इसी तरीके से चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य जिसका टाइटल था, उसके कॉइन किस टाइप के थे? अश्वरोही टाइप के, छत्रधारी टाइप के, चक्र विक्रम टाइप के, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए, 3-4 बार सुनो पढ़ो आपको याद हो जाएंगे। खास करके समुद्र का आपको याद होना चाहिए, व्याघरण वीणावादन, वीणा बजाते हुए किसने के? समुद्रगुप्त, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ये याद होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। धनुर्धारी भी कौन है? समुद्रगुप्त। कुमारगुप्त का गजरोही टाइप है, गजरोही सिन्हिनंता टाइप, ठीक है, खांग निहंता, डायनासोर किलर टाइप, कार्तिकेय टाइप, ठीक, ये कुछ एक है। और अपरातिक मुद्रा टाइप, ये आ रखा है क्वेश्चन कई बार, ये आप याद रखना, अपरातिक मुद्रा टाइप किसका है? कुमारगुप्त का। गुप्त रूलर्स में भी चंद्रगुप्त टू जो था वो पहला रूलर था जिसने सिल्वर कॉइन इशू किए थे, ठीक। फिर गुप्त रूलर्स में रामगुप्त पहला रूलर था जिसने कॉपर के कॉइन्स इशू किए थे। गुप्त काल में गोल्ड कॉइन्स को दिनार बोला जाता था, सिल्वर कॉइन्स को रूपक बोला जाता था, ठीक है। ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। फिर फॉरेन कॉइन्स की बात करें हम, तो फॉरेन कॉइन्स में रोमन एम्पायर्स के कॉइन्स सबसे ज़्यादा इंडिया में पाए गए हैं, ठीक। इनके कॉइन्स गोल्ड और सिल्वर के होते थे, और ये ज़्यादातर कॉइन कहाँ पाए गए? साउथ इंडिया में, कोस्टल एरियाज के आसपास, जैसे पौंडीचेरी का एरिया, अरिकमेंडू बोलते थे उसको, है ना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हर जगह मिले हैं रोमन कॉइन्स, क्योंकि ट्रेड होता था, इंडिया का सी ट्रेड था बहुत ज़्यादा। ये कॉइन्स जो हैं रोमन एम्पायर अगस्टस और टिबेरियस के हैं, और इससे हमें सीधा सीधा पता चलता है कि इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में ट्रेड रिलेशंस थे। तो ये था दोस्तों कॉइन्स के बारे में, 2-3 बार सुन लो, ठीक है, एकदम छप जाएगा आपके दिमाग में, आप देखोगे आपको आते हैं ज़्यादातर, फिर एक बार पढ़ लेना, और नहीं भी पढ़ पा रहे हो आपके पास टाइम नहीं है तो सुन भी लोगे तो एक टफ है, ठीक। तो चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लो यार, हम आपके लिए ऐसे ही सारे जीके के पूरे का पूरा हमने सीरीज़ बना रखा है, तो आपको बहुत मदद मिलेगी उससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।